हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात की, हमने देखा किस तरह से हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और हमने फंक्शंस खुद क्रिएट किए, उनको कॉल किया, इस्तेमाल किया, हर तरह से उनका रोल को देखा। नाउ द थिंग इज़ कि क्या हमेशा हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ फंक्शंस बड़े कॉमन है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट फंक्शन, या आपने देखा ही जैसे हम प्रिंट फंक्शन है वो भी यूज़ कर रहे थे, इनपुट है वो भी एक फंक्शन है यूज़ कर रहे थे। तो हमने बहुत तरह के फंक्शन यूज़ भी किए हैं ऑलरेडी। तो ये सारे इनबिल्ट फंक्शन थे जो हम यूज़ कर रहे थे, मतलब ये ऑलरेडी हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में या हमारी लाइब्रेरी में प्रेजेंट थे। जो फंक्शंस कुछ स्पेशल टाइप होते हैं जो कि आप कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते, उन्हीं को हमने डिज़ाइन किया था, क्योंकि वो हर जगह में शायद ना मिले। बहुत सारे तो हमें मिल भी जाएंगे। सो बेसिकली हम ये कैसे कर पा रहे थे, जो यूज़ कर पा रहे हैं बने बनाए फंक्शन को, ये हम कर पा रहे थे लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू। यस, हर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की में एक लाइब्रेरी होती ही होती है ना। उस लाइब्रेरी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और कुछ जो होते हैं बिल्ट इन नहीं होते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी पैकेज पे काम करना है या किसी लाइब्रेरी पे काम करना है, और उसके लिए आपके पास वो लाइब्रेरी नहीं है आपके एनवायरनमेंट में, तो हमें पैकेज के थ्रू उसको इंस्टॉल करना होता है। तो पैकेज कुछ नहीं होता, एक तरह का मतलब आपका ये समझिए लाइब्रेरी है, बट वो इंस्टॉल नहीं है। आप उस पर इंस्टॉल करेंगे तब वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, आपकी जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। तो आपकी लाइब्रेरी में ऐड होने का मतलब है कि अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में होता क्या एक्चुअली में? लाइब्रेरी कुछ नहीं है, लाइब्रेरी सेट ऑफ मॉड्यूल्स है। और मॉड्यूल्स क्या हैं? मॉड्यूल सेट ऑफ फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, पाइथन कोड्स, कुछ भी मान लीजिए, इतने सारी चीज़ें कुछ भी हो सकता है एक मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल जो है हम लोग जो है खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और बाय द बाकायदा मेनी टाइम्स इट इज़ अवेलेबल इट सेल्फ। सो हमें जो है अपने इस के सेशन में हमें जो है कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को देखना है। तो बेसिकली ये जो फंक्शंस हैं ये हमारा काम इजी कर रहे हैं। कैसे? देखिए, आपको सिर्फ कॉल करना है, आपको यूज़ करना है। क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ क्या हम इनपुट पास करने वाले हैं और क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है, इन बातों का सिर्फ ध्यान रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट हैं तो हमें सिर्फ इनको यूज़ करना है। तो हमें यूज़ करना पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है, हम क्या वैल्यू डालेंगे कि हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी होती हैं। ऑल दो मैंने जो है हाँ हम जो है आज अभी जो है इसकी मैं जो बात करेंगे आज वो है मैथमेटिकल फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो हमें मैथ मॉड्यूल और स्ट्रिंग मॉड्यूल को यूज़ करना होगा अपने प्रोग्राम में। तो यूज़ करने के तरीके हैं, कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। बेसिकली फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे, और अगले प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करेंगे अगले सेशन में। और पहले सेशन में आज जो है हम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे। तो हमें मैथ मॉड्यूल को करना पड़ेगा इम्पोर्ट, और इधर पे स्ट्रिंग मॉड्यूल को, क्योंकि इवन लाइब्रेरी में होने से भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग मॉड्यूल जनरली स्ट्रिंग के एक्चुअली स्ट्रिंग एसटीआर क्लास के रूप में भी इम्प्लीमेंटेड है। तो हम कई फंक्शंस तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में विदाउट इम्पोर्टिंग इट, क्योंकि वो इनबिल्ट है क्लास फॉर्म में, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग मॉड्यूल जो है वो कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा मैथ मॉड्यूल को काम करते हुए, तो हम उसको यूज़ करके देखेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम जो मैंने जिस साइट से ये यूज़ किए हैं फंक्शन आपके लिए बनाए हैं, जनरली मैं फॉलो कर रहा हूँ पाइथन डॉक्स डॉट पाइथन ORG, और वहाँ से मैंने जो है आपके मैथ्स के फंक्शंस को जो है इंपोर्ट करके, यह है सारे फंक्शंस की हम बात नहीं करेंगे, हम जो कॉमन बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले फंक्शन हैं उन्हीं की बात करेंगे। कि सारे के सारे आपको अगर देखने का मन हो तो आप जो है इस साइट पर जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको मॉड्यूल क्या है, लाइब्रेरी क्या है, पैकेज क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो मॉड्यूल जो है सेट ऑफ जो है फंक्शंस, और वो कह लीजिए आप सब मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इन क्लासेस, इनका कॉम्बिनेशन बोल लीजिए, कोई भी रनेबल कोड है उसका कॉम्बिनेशन बोल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें एक मॉड्यूल के अंदर होती हैं, और बहुत सारे मॉड्यूल मिलकर एक लाइब्रेरी बनाते हैं। और जो लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होता है हमारा कोई भी मॉड्यूल या कुछ भी लाइब्रेरी पूरा पैकेज नहीं होता है उसका, तो हम उसको पैकेज के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। जैसे लाइब्रेरी भी अलग अलग होती हैं, जैसे एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक पूरा सेक्शन है मान लीजिए मशीन लर्निंग रिलेटेड, तो उसका मॉड्यूल हम लोग करेंगे इंस्टॉल करेंगे।
इंस्टॉल करने के बाद वो हमारे उसमें आ जाएगा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, देन हम उसको यूज़ कर पाएंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू मैथ्स को आज मॉडल कर को यूज़ करेंगे, और फिर हम जस्ट अगले वीडियो में देखेंगे कि हम किस किस तरह से कौन कौन से फंक्शंस को यूज़ करने जा रहे हैं, मैथ मॉडल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा कि लाइब्रेरी क्या है, पैकेज क्या है, मॉड्यूल क्या है, और इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ये जितने फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट हमें यूज़ करना होता है, उसके लिए सेपरेट है जो मॉड्यूल है आपका, उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ, इस मॉड्यूल के साथ, मैथ मॉड्यूल के साथ आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाइथन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ नहीं आते हैं, तो वो सेपरेट रखा गया है। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और अपने नेक्स्ट सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन मैथ्स। तो थैंक यू आज के लिए, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम।